गाइस गुड मॉर्निंग। सो अगेन मैं मॉर्निंग में एक वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने जो कल का व्लॉग तो आप लोगों ने देखा है, लास्ट व्लॉग मेरा, वो मैंने मॉर्निंग में ही शूट किया था। मतलब मॉर्निंग में मैंने बालकनी में बैठ के, और बालकनी में मैं बैठ के आ चुकी हूँ, और अभी आई हूँ मैं मेरे रूम में, मतलब किचन में। और क्या हो रहा है किचन में आप लोग सोच रहे होंगे, अरे वही हो रहा है जो आपके घर में भी होता है, झाड़ू पोछा बर्तन एंड चाय पीना। तो यही हो रहा है अभी तो फिलहाल। तो अभी अभी मैं आई हूँ वहाँ से, बालकनी से बैठी थी मैं वहाँ पे, और मैंने कहा चलो यार मैं ब्लॉग को, दूसरे ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को डेली ब्लॉग देने हैं मुझे। तो चाय मैंने चढ़ा दी है और मैं आधा कप चाय पीऊँगी, साथ ही साथ मैं वाटर, पानी में बहुत ज़्यादा पी लेती हूँ, कभी कभी कम भी पीती हूँ। तो आज मैंने सुबह से एक गिलास पानी पिया और ये मेरा सेकेंड गिलास पानी है। तो बस अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, एंड आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ बिस्किट्स रखे हैं। तो जी हाँ, अभी पार्सल आया है हमारा जो हमने आज से दो दिन पहले ऑर्डर किया था, तो उस पर मैंने बिस्किट्स वगैरह ज़्यादा मंगाए हुए हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक केक बनाने का, और क्योंकि मुझे काफ़ी डिमांड करी है केक की, तो मैंने सोचा चलो बनाऊँगी। तो मैं मंगाए हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, अब कैसा बनता है पता नहीं। सो अपनी बॉडी को अंदर से तो आप हाइड्रेट कर ही रहे हो, और हाइड्रेट करने से क्या होता है सभी को पता है। मैंने सोचा थोड़ा बाहर से लिप बाम लगा लूँ, सो काफ़ी सारी लिप बाम मैं लगाती रहती हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे लिप बाम चाइल्डहुड लिप बाम। सो या गाइस, एंड अब मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो आप लोग बोले, उसके पहले मैं बता दूँ कि मैं चाय कभी भी खाली मतलब खाली नहीं पीती हूँ फिलहाल। मैं अब चाय के साथ कुछ बिस्किट्स ले लेती हूँ या कुछ और ले लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमारे घर में सिर्फ बिस्किट अवेलेबल है, तो मैंने बिस्किट ले लिए हैं, और चाय एकदम कम ली है, आप देख सकते हैं ये सी 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 एकदम नीचे है चाय। तो बस मैं इसे पीती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो गाइज, मैं अपने बाल को बस हल्का सा टाइट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ी बना रही हूँ आज, दाल चावल खा खा के बोर हो गए हैं हम लोग भी, और जैसा सभी को पता है सब्ज़ी वगैरह की बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो इसीलिए सब्ज़ी वगैरह तो हम लोग एक ही टाइम बनाते हैं, और आलू वगैरह की का अगर भुजिया वगैरह बनानी होती तो बना लेती हूँ। तो अभी मैं कढ़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे बेसन घोल के रख दिया। आप लोग सोच रहे होंगे बिना नहाए, तो मैं अब जाऊँगी नहाने के लिए, लेकिन प्रिपरेशन सारी करके जा रही हूँ, क्योंकि तुरंत आऊँगी और इसको बस तड़का लगाऊँगी। और कोई स्किन केयर किया कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, मतलब सिर्फ मैंने भी चाय पी है। और यहाँ पे मैं पकौड़े के लिए बेसन घोल रही हूँ, तो बेसन के लिए मैंने बेसन तो ले ही लिया है, उसमें नमक और हल्दी थोड़ी सी डाली हुई है, और प्याज वाले पकौड़े बना रही हूँ आज मैं, तो प्याज काट रही हूँ, और चावल बनेगा, रोटी बनेगी, और मे भी लौकी रखी हुई है, तो लौकी की सब्ज़ी भी बना सकते हैं, तो ये बहुत वो नहीं है, लेकिन ट्राई ये करूँगी कि ना बनाऊँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी ऐसी होती ना, थोड़ी सी लौकी है तो दोनों के काम हो जाएगी। अभी एक दिन हम लोगों ने कल या परसों ही लौकी वाली दाल बनाई थी, चने वाली, तो उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं की, और कढ़ी भी आज मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ, जबकि मैं डिफरेंट वे में बना रही हूँ, क्योंकि ये क्यों मैं दोबारा से दिखाऊंगी रही, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे कि यार मैंने अभी दिखाई थी तीन बार, मैं अभी ऑलरेडी अपने चैनल पे 3 से 5 बार कढ़ी की रेसिपी डाल चुकी हूँ। हाँ, तरीका मेरा हर बार डिफरेंट होता है, कई बार मैं बहुत जल्दी में बना देती हूँ, और कई बार मैं बहुत रुच रुच के बनाती हूँ, रुच रुच के मतलब कि बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाती हूँ।
여기 잠시 널 떠올린 거야 Still believe नहीं बेटा अब नहीं पापा से लगाते पापा से उनको डालते थे तो ये ब्रिटिश इंडिया के लाती है नहीं नहीं ये ब्रिटिश वाली क्यों आती है ये लिपस्टिक नहीं है ये लिप बाम है लेकिन इसमें पिंक टिंट है आपके लिप्स फट रहे थे ना सूख रहे आपके लिप्स सूख गए क्यों सूख रहे सूख गए हैं क्यों सूख रहे हैं ये लिप्स सूख जाओ अच्छा बोलो बता दो कहाँ जाना है आपको दादी पास क्या करोगे दादी पास जाके हम दादी पास हमको दादी पास बनाएंगे क्या बनाओगी दादी का मैगी बनाएंगे दादी की मैगी बनाओगी कि मेकअप करोगी दादी का मेकअप करूंगी मेकअप भी करोगी आप कितने अच्छे लग रहे हो आपका काजल अच्छा लग रहा है सबको दिखा दो अपनी लिप्स दिखा दो किसी दे दो अच्छा हम जा रहे हैं दादी पास आपको चलना है पूछो आपको चलना है क्या करोगी क्या ना वहाँ पे क्या करोगी वहाँ पे हम तो मैगी खाएंगे आपको नहीं देंगे आपको नहीं देंगे दे दोगी शेयरिंग इज शेयरिंग इज केयरिंग आपको मैगी दे देंगे हाँ दे देंगे हमारी दादी बनाएंगे हम खिला देंगे बोल दो हम खिला देंगे आप लोगों को आप लोगों को ठीक है डोंट तो स्कूल कब से जाना है
स्कूल कब जाओगी? 2 घंटे जाएंगे। 2 घंटे बाद जाओगी? सो जाएंगे। पापा के साथ सो जाओगी? हाँ। अच्छा, और सबको बता दो कहना कि पापा नहीं सोएंगे। नहीं सोएंगे? क्या खाया आप? आपने खाना क्या खाया आज? रोटी सब्जी और कढ़ी चावल। कढ़ी चावल? पता है कि कढ़ी चावल बने मम्मा ने बनाए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। हाँ। बहुत टेस्टी था। पापा हम दादी पास जाए। अच्छा, तो दादी आपको आपको प्यार करेंगी दादी? हाँ। नहीं करती दादी प्यार? करती है मम्मा को प्यार। मम्मा को करती है? दादी आपको करती कि नहीं करती? करती है। कितना करती हैं आपको प्यार? बहुत सारी। और मम्मा को? बहुत सारी मम्मा को करती है। पापा को? पापा को बहुत सारी करती। हमें आपके पापा अच्छे नहीं लगते। अच्छा बता दो सबको, रात में पापा ने हमको मैगी बना के दी थी, बोलो। मैगी खाई है। माय पापा पापा मैगी बनाई आपके लिए। हाँ। आपको प्यार करते हैं आपके पापा? दादी हमको मैगी बनाती। दादी आपको मैगी बनाती हैं? पापा नहीं बनाते मैगी? नहीं पापा अच्छे बहुत बनाते थे। पापा बहुत अच्छे हैं? नहीं अच्छी है। अच्छे हैं? हाँ। और दादी बहुत करती है पापा को। दादी प्यार करती है पापा को? बहुत सही। मम्मा को नहीं करती? करती हूँ दादी। नहीं करती? करती 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 करती। अच्छा चलो, जय जय कैसे करते हैं अपन? जय जय से आप क्या बोलती हो? ठीक है मम्मा को। निशिका जब भी भगवान के पास जाती है, आई डोंट नो और ना उसको किसी ने बोला है, और वो एक बर्ड बोलती है वहाँ पे कि भगवान जी मेरी मम्मा को ठीक कर दो। क्या बोलती हो? यस। क्यों, आपकी मम्मा को क्या हुआ जो भगवान जी ठीक करेंगे आपकी मम्मा को? अच्छी लगती है। कौन अच्छी लगती है? चलो जय जय करने चले। जय जय कर ली हमने, टीका लगा लिया हमने, जय जय कर ली हमने, प्रसाद भी खा रहे हैं हम। आप खाओगे? पूछो, पूछ लो सबको। हाँ ग्रेप्स पूछो सबको, खाओगे? खट्टा है, खट्टा है, अच्छा नहीं है, खट्टा है। चाहिए दादी इधर की शिगाल पे। चलो बो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ मंदिर की करके, और घंटी बजाओ, बोलो वी सेफ। हाँ लाइक शेयर ना करी हम भी, पर दोनों हम ना नहीं करी। अच्छा बोलो बोलो बोलो, क्या ना क्या बोलना है? Be safe, बोलो। Be safe. At home. At home. नहीं, be safe. Be safe. At home. At home. Yes. Corona go. Corona go. Go go. हाँ जय श्री राम, ऐसे करते हैं जय श्री राम। बोलो राम राम। Bye. Love you. Love you. All. All. तो वही सेम लिप बाम मैं लगा रही हूँ जो मैंने मिशी काकू लगाई है, और अभी हमारे पास एक ये लिप बाम, एक पर्पल की लिप बाम बस बची है, और सारी लिप बाम हमारी फिनिश हो गई हैं, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें हम लोगों के लिप्स फटते ही फटते हैं। ये ऐसे टिंट छोड़ती है, जैसे ही लगाते हैं तुरंत इसका टिंट आ जाता है, साथ ही साथ थोड़ा अच्छा लगता है। मैं काजल भी लगा रही हूँ, मैं मेरा ये वाला काजल लगा रही हूँ, मिशिका को मैंने होममेड काजल लगाया हुआ है, तो मैं काजल लगा के आपसे मिलती हूँ। बॉडी में मॉइस्चराइज कर दूँ बॉडी को, ये बोल रहा है वाला। अरे नहीं यार, मैंने कर लिया, मैंने लगा लिया मॉइस्चराइजर क्रीम। आप भी नहा लो जाके, पंखा चालू कर लो ना, इतने नहा के का मतलब पसीना फिर से हो जाओ। आप भी जाके नहा लो। नहीं तुमने नहा के तो नहा।
सो गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ और तैयार हो चुकी हूँ मैं, और मैंने बस एक जो आप लोगों ने देखी वो लिप बाम लगाई, लेकिन वो थोड़ी देर में और अच्छा टिंट छोड़ दी, थोड़ा मैंने डार्क लगा लिया उसे और मिरर में देख के अच्छे से, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा काजल लगाया हुआ है और जस्ट कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पे, बिकॉज़ फेस अभी ठीक अच्छा लगता है, और नॉर्मली घर में रहती हूँ तो कई बार ना मेरे को रात में आलस आ जाता है तो मैं मुँह धो के नहीं सोती हूँ, तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं कुछ ऐसा ना लगाऊँ ताकि मुझे मुँह एकदम धोना ही पड़े, बस एक वाइप से अपना जो भी लिप बाम होती है उसको रिमूव करके अगेन लिप बाम लगा लेती हूँ, काजल रिमूव करके काजल लगा लेती हूँ। तो कढ़ी हमारी बन चुकी है, खाना हम लोगों ने खा भी लिया है, टॉवल में बांधी हुई थी, बाद में मैंने मिशिका को नहलाया है, और कढ़ी चावल रोटी और लौकी की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई थी। तो मैं बता देती हूँ, ये रखे हैं यहाँ पे चावल, ये देखिए मिशिका को हम लोगों ने खाना खिला दिया था क्योंकि मिशिका को खाना मांग रही थी वो, ये है हमारी कढ़ी, और कढ़ी अभी निकल चुकी है क्योंकि दीदी खाना लेके गई हैं, रोटियाँ वो ले जा चुकी हैं। सब्जी मैंने क्या बनाई थी, लौकी की सब्जी बनाई थी आई थिंक, वो भी चली गई। तो मैंने आज बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया हुआ था, लौकी की सब्जी तो मैंने बनाई हुई थी, थोड़ी सी लौकी की सब्जी हमने फ्रिज में रख दी है, ये देखिए ये वाली, क्योंकि ये थोड़ी सी सूखी टाइप की सब्ज़ी है तो हम लोगों ने फ्रिज में इसलिए रख दी क्योंकि हमारी किचन में काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है, तो धूप आती है तो इसी वजह से क्या होता है ना कि ख़राब होने का चांस रहता है, तो इसीलिए मैंने तुरंत उसे रख दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा टमाटर नहीं पड़े हैं, और सब्ज़ियों में ये थोड़ा सा भी रिस्की हो चुका है कि अगर टमाटर नहीं पड़ते हैं तो सब्ज़ियाँ ख़राब होने का बड़ा टेंशन होता है, ज़्यादा नहीं पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि टमाटर डाला नहीं मैंने, बिल्कुल भी डाला हुआ है लेकिन कम डाला हुआ है। तो यही हमारा खाना है, तो चलिए गाइस मैं लंच करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज ये महाकाली का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है तो मैं वो देखते देखते हम लोग खाना खा रहे हैं, और हमेशा भी हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, सब लोग साथ में बैठते कुछ टीवी में ऑन कर लेते हैं क्योंकि टेंशन तो सभी को है फिलहाल, और खाना भी ऐसे ही है कि सब रिपीट हो रहा है बार बार, तो उतने मन से खाता नहीं है, तो टीवी भी देखते देखते खा लो ना तो अच्छे से खाना भी खप जाता है। एंड मुझे ये महाकाली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मैं रिपीट टेलीकास्ट देख रही हूँ, तो कौन कौन मेरे जैसा कर रहा है मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खाना खाने के मैं बाद आप लोगों से मिलती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा। सो गाइस हमारा लंच हो चुका है और मैं आ गई हूँ मेरी ये वाली पीछे वाली बालकनी में, और जहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन रखी है उस एरिया में, थोड़ा सा यहाँ पे हवा सी ले रही थी क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो अभी सूखे नहीं हैं, और मेरे बाल सूखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है मैं हेयर ड्रायर से तो सुखा लूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ नेचुरली सूख जाए क्योंकि जहाँ हेयर ड्रायर की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ क्यों हेयर ड्राई करना। और क्या बोलना था, हाँ ये लिपस्टिक कैसी लग रही है मेरे ऊपर, मैंने रानी कलर अप्लाई किया हुआ है लिप बाम के बाद, क्योंकि लिप बाम तो रिमूव हो गई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रानी कलर अप्लाई कर लेती हूँ, और शायद आज मैंने वेरी फर्स्ट टाइम कुछ इस टाइप का कलर यूज़ किया है अपने लिप्स पे, तो अभी वही मैंने लगाया हुआ है। और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में ज़रूर बताओ मुझे, और फ़िलहाल कैसे दिन कट रहे हैं, क्यों हम लोगों की तो अभी बोल सकते हो कि अच्छे कट रहे हैं, कोई नहीं 4-5 दिन की और बात है, मतलब 8 दिन की बात है, निकाल लेंगे, इतने दिन निकल गए तो अब ये भी निकल जाएंगे। हाँ ये बात अलग है कि इतने दिन निकालने में जितना नहीं लग रहा जितना अब लग रहा है कि अब कब निकलें ये दिन ऐसा, और बर्तन काफ़ी सारे हो गए तो मुझे वो भी धुलने हैं, फिर चाय बनानी है, वो मतलब ये रूटीन जो है ना हमारा कभी ख़त्म नहीं होता कि काम होते ही रहते हैं, बने ही रहते हैं, ये काम कर लो फिर वो काम कर लो। एंड अभी तो मुझे सिम्टम्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी में इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो कल हम लोगों ने मतलब उसकी कोई दवाई भी नहीं है क्योंकि दवाई हम लेना नहीं चाह रहे खुजली की, और बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रीम लेवल पे मुझे रात में नींद भी नहीं आ रही है इस खुजली के चक्कर में, तो और मेरी स्किन है ना जो ओवर ड्राई स्किन है तो मैं उस पर पाउडर वगैरह नहीं लगा सकती हूँ, बाबू मुझे बोलते हैं कि नवरत्न पाउडर लगा लो थोड़ा ठंडक मिलेगी, लेकिन मैं नहीं लगाती क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ओवर ड्राई स्किन है, तो वो और मैं अभी आप लोगों से बाबू की बात कराऊंगी, शाम तक कराऊंगी, और बाबू भी आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेंगे अगर मैं करा पाई तो, और यही हो रहा है। और मुझे स्वेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है पैरों में, अचानक से एकदम से स्वेलिंग आ जाती है, अचानक से ख़त्म हो जाती है,
तो कुछ है ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं आता कि ये बार बार क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है ये क्यों हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो भी हो रहा है ठीक है यार, चलता है सब। सो गाइज, अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और हम लोग वेट कर रहे हैं सन, हम लग करके लगा के आ गए। इनकी आदत है, इनके लिप्स ना थोड़े से भी चैप्ड होते हैं, यूँ 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 करते रहते हैं। तो अभी मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ भी ऐसे करते हो तो लोगों को फील होता है कि लाइक वो जीजू के मुंह में कुछ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो कुछ खाते नहीं हैं, पान खाते हैं, उनको पान खाना बहुत अच्छा लगता है, पहले खाते थे अति में, अभी खाते हैं लिमिट में। क्यों बाबू? पहले खाते थे अति में और अभी खाते हैं लिमिट में। और अभी तो पान वान की दुकान भी बंद है, तो यहाँ पे हैं एक हमारे अंकल, उनके यहाँ का पान बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत खाते भी हैं। सो वही है, और क्या बोलते, अभी तो बाबू का भी ऑफिस बंद है, और इनका तो घर बैठ के भी काम नहीं हो सकता है क्योंकि इनका काम ही फील्ड वर्क का है, और अगर फील्ड वर्क पे काम नहीं करना है तो कुछ भी नहीं करना है। तो एक तरीके से कह सकते हैं आप कि इनका धंधा तो चौपट है फिलहाल, खत्म। और रहा मेरा, तो मैं तो रेगुलर अभी वीडियो डाल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो व्यूवर हैं, जो घर में बैठे हैं, जो बोर होते होंगे, उनके पास जो डाटा है उस डाटा में वो हमें देखें, वॉच करें इस टाइम पे, क्योंकि उनका एक टाइम पास होगा। सीरियल्स वगैरह की शूटिंग वगैरह भी बंद है, इसलिए सीरियल वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा माहौल गर्म है, लेकिन कहते ना कुछ अच्छा होने के लिए कुछ थोड़ा सा कुछ सहना पड़ता है, तो यही समझ लीजिए कि वो सहना पड़ रहा है और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। ईश्वर से हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि है वो। सो गाइज, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, दीजिए मुझे इजाज़त। कोशिश ये करें कि घर पर रहें, लोगों की हेल्प करें, आज के टाइम परिवार के साथ रहें, घर बी सेफ यार, बी सेफ, क्योंकि सेफ परिवार के साथ ही रहना सेफ है, सेफ है, इसलिए। तो अपने आप को बस कैसे भी करके बाहर तभी जाएं जब अति से ज़्यादा मजबूरी हो। मुझे तो लगता है कि जब आपकी मजबूरी ना हो, बिना अनावश्यक नीचे जाना या अनावश्यक आपको घूमना, मुझे नहीं लगता कहीं तक सही है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे दूध पर डे मत लेने जाइए, 2 लीटर दूध से आपके यहाँ पे 1 लीटर आता है, 2 लीटर लेके आइए, 1 लीटर एक दिन चलाइए, 1 लीटर एक दिन चलाइए, फिर 2 दिन बाद जाइए, क्योंकि जितना हम बाहर कम जाएंगे ना, इस बीमारी से हम उतने जल्दी निजात हो जाएंगे। सो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए गाइज, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ ये पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिए।